गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बारिश बारिश की जो खूबसूरती है उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को कुछ दिन पहले दिखाया था, लेकिन बारिश के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं। ट्रैवल हंगर टीम के मकसद है बेटर व्यू, बेटर डिटेल। ज़रूरत से ज़्यादा जब बारिश होता है तो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो सिटी एरिया हो या विलेज एरिया। तो पहले हम लोग सिटी एरिया का कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे विलेज एरिया का प्रॉब्लम। देखिए सड़क कैसे डूब गया है और सारे उसी के ऊपर से गुजर बसर करने में लगे हुए हैं। ये सिटी हो या विलेज, हर जगह पर दिखता है ये चीज़। इस वीडियो में जो भी हम सिटी एरिया या विलेज एरिया देख रहे हैं उसके नाम उल्लेख इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेरा मोटो किसी प्रशासन या किसी सरकार के ऊपर उंगली दिखाना नहीं है। बारिश में हर जगह पे, इंडिया की किसी भी कोने में आप चले जाइए, ये प्रॉब्लम हर जगह होता ही होता है। तो यहाँ पे कोई प्रशासनिक गलती तो है ही नहीं। थोड़ा सा भी तेज़ बारिश हो जाता है तो पता भी नहीं लगता है कि रास्ते में गड्ढा कहाँ पे है और रास्ता प्लेन कहाँ पे है, और उसी से ही गिरने का डर भी रहता है। चाहे वो सिटी एरिया हो या विलेज एरिया, 24 घंटा अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाता है तो रास्ते का हालत ऐसे ही दिखने के लिए मिलता है। तो बारिश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि घर से निकलने का ही प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि पैदल तो जा ही नहीं सकते। पार्किंग एरिया देखिए कैसे डूब गया है, जैसे नाव की तरह गाड़ी भी चल रहा है, गाड़ी भी नाव की तरह पानी में तैर रहा है। शाम को तो पार्किंग एरिया देख के ही गाड़ी पार्क करके घर आए थे, लेकिन रात भर की तेज बारिश में अगले दिन सुबह तक ये तालाब में तब्दील हो जाता है। रास्तों में चलने के लिए भी इतना दिक्कत होता है कि वो चाहे विलेज एरिया हो चाहे सिटी एरिया हो, देखिए पानी कैसे जमा हुआ है, उसी के ऊपर से ही गुजरना पड़ता है। अब थोड़ा सा विलेज का व्यू भी देख लेते हैं। विलेज में तो जैसे ही बारिश शुरू होता है तो चारों तरफ जो नदी नाला होता है उसका पानी पुल के चारों तरफ से और जम के पानी नज़दीक आने लगता है। यहाँ पे तो रास्ता दिखना दूर की बात है, घर के अंदर तक पानी आ जाता है। गांव में जब जम के बारिश होता है तो पानी निकलने का उतना अच्छी तरीके से तो बंदोबस्त होता नहीं है, बस नदी नाला से ही पानी बाहर निकलने शुरू होता है, और नदी नाला का पानी जब फूलने लगता है तब तो घर के अंदर तक पानी आ जाता है। इस वीडियो में हम लोग जो देख पा रहे हैं, नदी का पानी इतना फूल गया है कि घर के चारों तरफ डूब चुका है, घर के चारों तरफ डूब चुका है और घर के अंदर तक पानी जा चुका है। हम लोग अपने अपने वर्क लाइफ गुजर बसर करने के लिए सिटी में ज़रूर रहते हैं, लेकिन सबके रिश्ता किसी न किसी विलेज के साथ ज़रूर है ही है। तो विलेज की जो बारिश के मौसम है,
वो ज़्यादा दुखद होता है या सिटी के जो बारिश के मौसम है वो ज़्यादा दुखद होता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत तेज़ बारिश में, चाहे वो सिटी एरिया हो या विलेज एरिया, हम लोगों के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो आप लोगों को सही से दिखा पाया हूँ। अगर वीडियो सही से दिखा पाया हूँ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मौसम साफ होने के साथ साथ ही बेटर व्यू बेटर डिटेल्स के साथ नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड और वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।